दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाति भेद का शिकार हुई और चंडीगढ़ से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही डॉक्टर रितु सिंह के पास कितनी संपत्ति है, उन्होंने अपने चुनावी एफिडेविट में क्या बताया है, इस वीडियो में हम आपको डॉक्टर रितु सिंह के बारे में सारी जानकारी देंगे। डॉक्टर रितु सिंह मूल रूप से पंजाब के अमृतसर की रहने वाली हैं और फिलहाल चंडीगढ़ के लोकसभा सीट से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। डॉक्टर रितु सिंह अपने इलाके में पूरी मेहनत से चुनाव प्रचार कर रही हैं और दमदारी से चुनाव लड़ते हुए भी दिख रही हैं। उन्होंने अपने हल्फनामे में अपनी इनकम, प्रॉपर्टी और मुकदमों के बारे में सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन को दी है। इसके मुताबिक डॉक्टर रितु सिंह ने साल 2023-24 में इनकम टैक्स भरते वक्त 3,68,110 रुपये इनकम के तौर पर दिखाए हैं। वहीं साल 2022-23 में डॉक्टर रितु ने कुल 3,19,320 रुपये की इनकम दिखाई थी। 2021-22 में उन्होंने इनकम टैक्स फाइल नहीं किया और साल 2020-19 में उन्होंने 4,69,780 रुपये बतौर आमदनी दिखाए थे। जहां तक शादी का सवाल है तो डॉक्टर रितु सिंह ने बताया है कि उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है और उनकी उम्र 35 साल हो गई है, उनके ऊपर कोई आश्रित भी नहीं है। डॉक्टर रितु सिंह के बैंक में जमा पैसे और गहनों के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि उनके खिलाफ कितने केस चल रहे हैं। आप सब जानते हैं कि डॉक्टर रितु सिंह ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्हें गलत तरीके से नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ ज़बरदस्त आंदोलन किया था और आरोपी प्रिंसिपल की गिरफ्तारी के लिए भी वो महीनों तक धरने पर बैठी रही थी। इस दौरान कई बार उनकी झड़प दिल्ली पुलिस से भी हुई और इसी दौरान उनके खिलाफ कई सारे केस दर्ज किए गए। डॉक्टर रितु सिंह ने बताया है कि उनके खिलाफ दिल्ली के मॉरिस नगर पुलिस थाने में FIR दर्ज है, जिसमें IPC की धारा 188 सरकारी अफसर के काम में बाधा डालना और सेक्शन 34 आपराधिक मंशा के अलावा PDPP एक्ट की धारा 3 के तहत FIR दर्ज की गई है। डॉक्टर रितु के खिलाफ दूसरी FIR भी मॉरिस नगर थाने में ही दर्ज है, जिसमें IPC की धारा 279 यानी खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करना और 186 सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी करने से रोकना के साथ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा भी जोड़ी गई है। तीसरी FIR भी मॉरिस नगर थाने में ही दर्ज है, जिसमें IPC सेक्शन 188 और 34 लगाए गए हैं। चौथी FIR भी दिल्ली के मॉरिस नगर थाने में ही दर्ज की गई है, जिसमें IPC के सेक्शन 354A, 506, 509 और 34 लगाए गए हैं। इस तरह से डॉक्टर रितु सिंह के ऊपर कुल 8 FIR दर्ज हैं, जो दिल्ली पुलिस की ओर से की गई हैं। इसी सिलसिले में दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज एक केस कोर्ट में भी पेंडिंग है, जिसकी सुनवाई चल रही है। डॉक्टर रितु सिंह के ऊपर अभी तक किसी मामले में कोई सजा का ऐलान नहीं हुआ है। जब एक दलित बेटी अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पर लड़ रही थी तो उसे कैसे परेशान किया गया, ये FIR और केस इसका सबूत है। चलिए अब बात करते हैं कैश, ज्वेलरी और प्रॉपर्टी की। डॉक्टर रितु सिंह ने बताया है कि उनके पास कुल 25,000 रुपये कैश है। उन्होंने अपने बैंक अकाउंट की जानकारी भी दी है, जिसके मुताबिक SBI के एक बैंक खाते में 3,52,842 रुपये जमा हैं। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा के दूसरे अकाउंट में सिर्फ 1,001 रुपया जमा है। डॉक्टर रितु का तीसरा खाता पंजाब एंड सिंध बैंक में है, जिसमें सिर्फ 2,000 रुपये जमा हैं। यानी डॉक्टर रितु सिंह के पास बैंक में जमा कुल राशि है 3,55,843 रुपये। डॉक्टर रितु सिंह ने बताया है कि उनके पास एक एक्टिवा स्कूटी है, जिसकी कीमत 45,000 रुपये है। अगर गोल्ड की बात की जाए तो डॉक्टर रितु के पास करीब 40 ग्राम का सोना है, जिसकी कीमत 2,85,600 रुपये है। अगर डॉक्टर रितु के बैंक में जमा पैसे, गोल्ड की कीमत, स्कूटी की कीमत वगैरह को जोड़ दिया जाए तो उनके पास कुल 7,11,443 रुपये की आमदनी है। उन्होंने अपने एफिडेविट में बताया है कि उनके पास खेती की ज़मीन नहीं है और ना कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उन्होंने कोई लोन भी नहीं लिया है। जहां तक डॉक्टर रितु की क्वालिफिकेशन का सवाल है तो उन्होंने जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में मास्टर किया है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से PhD की है। पेशे के तौर पर उन्होंने टीचिंग को अपना प्रोफेशन बताया है। आपको बता दें कि डॉक्टर रितु सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज में एडहॉक पर असिस्टेंट प्रोफेसर थी,
लेकिन उनका आरोप है कि कॉलेज की प्रिंसिपल सविता रॉय ने उनकी जाति की वजह से उन्हें परेशान किया और साजिश रचकर उन्हें नौकरी से निकाल दिया। इस मामले में आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ SC/ST एक्ट की धाराओं में केस भी दर्ज हो चुका है और मामला भी कोर्ट में है। आरोपी प्रिंसिपल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर डॉक्टर रितु ने करीब 6 महीने तक धरना भी दिया था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। अब डॉक्टर रितु सिंह सियासत में हाथ आजमा रही हैं और उन्हें बसपा ने चंडीगढ़ से अपना प्रत्याशी बनाया है। और पूरा परिवार पाल और यही स्थिति है, इसीलिए मैं कह रही हूँ पढ़े लिखो को चुनना, वो लोग हर बार आपको मैं आपको इस समय दिखा रही हूँ असली चंडीगढ़। मैंने हमेशा अपनी स्पीच में भाषण में कहा है कि इस शहर में ना दो चंडीगढ़ बसते हैं, एक ये चंडीगढ़ जो मेहनत करने वाले श्रम करने वाले लोग इसको बनाते हैं, और दूसरा वो चंडीगढ़ जो अखबार मीडिया टीवी बीजेपी के बड़े बड़े प्रचारक कांग्रेस के बड़े बड़े प्रचारक जो अपने आप को कहते हैं कि मैं चंडीगढ़ का बेटा हूँ, दूसरी कहती कि मैं चंडीगढ़ की बेटी हूँ, तो हम क्या है इस चंडीगढ़ में सफाई करने वाले सफाई कर्मचारी? हमारा हक अधिकार नहीं है सिर्फ वोट की चोरी ठगा जाना। ये मैं दिखा रही हूँ हालात देखो सबके, ये बच्चों को छोटे छोटे बच्चों को जिनका भी भविष्य है, ये असली चंडीगढ़ ये मैं दिखा रही हूँ आपको असली चंडीगढ़, ये देख लो असली चंडीगढ़, घर के बाहर ही बाथरूम, ये है रियल चंडीगढ़। और ये चोर गद्दार आपको कभी नहीं दिखाएंगे असली चंडीगढ़ क्या है, इसलिए मैं कहती हूँ कि चैलेंज कर ली हूँ तुम लोगों को डिबेट के लिए, एक बार डॉक्टर रितु सिंह के साथ डिबेट ज्वाइन करो, बीजेपी प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशी मिस्टर टंडन एंड मिस्टर तिवारी, देयर इज ओपन चैलेंज फ्रॉम मिस सिंह टू यू कि आप ज्वाइन करो, मैं दिखाऊंगी स्थिति। डॉक्टर रितु सिंह दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चंडीगढ़ सीट पर कौन जीतेगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन इस वीडियो में डॉक्टर रितु सिंह पर दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल द न्यूज़ बीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।